ये हैं, टिक कर लिए हैं, उनको लिखूंगा तो फिर आपको समय तो भाई देना ही पड़ेगा, ये बात आप अच्छे से जानिए। कारण ये है कि एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके इकट्ठा करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए इन पर जरा ध्यान से आप फोकस करिएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस, इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस, 30 क्वेश्चन का मोटो लेकर के चला हूं। अ गैस इज लेस देन यूनिटी, इज लेस देन यूनिटी, यानी एक से कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि वी एम जो है वो ग्रेटर देन होगा 22.4 लीटर से। बी ऑप्शन दिया है वी एम जो है वो लेस देन 22.4 लीटर से होगा। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल्सो मनीष जी। और सी ऑप्शन दिया है आपका वीएम जो है वो इक्वल होगा 22.4 लीटर से। और डी ऑप्शन आपका दिया है वीएम जो है वो होगा 44.8 लीटर। तो जरा जवाब आप देते चलेंगे तो मैं ये समझूंगा कि वाकई में आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। जी फटाफट आंसर दीजिएगा। अगर लेस देन यूनिटी है, लेस देन 1 है, यानी कि जेड की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा। प्रभात बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बोला है कि वॉल्यूम भी घट जाएगा, मोलर वॉल्यूम, वीएम का मतलब मोलर वॉल्यूम इज ऑल्सो लेस देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा, क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लगा होगा कि नहीं क्वेश्चन बिल्कुल छोटे लूंगा, सेलेक्ट लूंगा, बढ़िया लूंगा। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, ऐसे ही बता दोगे मुझे लगता है। 2s ऑर्बिटल में पहला ऑप्शन दे रखा है प्लस का हाफ एच अपॉन 2π, बी ऑप्शन दे रखा है 0, सी ऑप्शन दे रखा है एच अपॉन 2π, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका √2 एच अपॉन 2π। जी बताइएगा, आंसर बताते चलिए, मैं भी लिखने की स्पीड अपनी बरकरार रखूंगा अगर आप आंसर स्पीड में देते रहेंगे। बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एंगुलर मोमेंटम 0 ही आएगा, क्योंकि अगर आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2π होता है फार्मूला, आपको शायद याद होगा। एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2π होता है। एल की वैल्यू जब 0 रख दोगे एस ऑर्बिटल के लिए तो ऑटोमेटिकली सभी कुछ 0 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि सिलेक्टेड हैं, सर ने सिलेक्शन किया है क्वेश्चंस का, आपको जरूर पता होगा। मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर इज शोन बाई, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाई, पहला ऑप्शन दिया है आपका FeCl2, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है SnCl2, तीसरा ऑप्शन दिया है AlCl3, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है MgCl2। बताइएगा कि आखिरकार मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कहां पर दिखाई आपको देगा, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर आपको कहां पर दिखाई देगा।
देखिए मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैटायन, देखिए एनायन तो कॉमन चला गया, एनायन कॉमन चला गया और कैटायन को आप देख लीजिए तो मेरे हिसाब से कैटायन अगर आप एफ ई को देखते हो, ठीक है, आप अगर एफ ई को देखते हो, एस एन को देखते हो, ए एल को देखते हो, तो एल्यूमिनियम ए एल सी एल थ्री यही एक कोवेलेंट करेक्टर शो करता है, स्मॉल कैटायन यही है, स्मॉल कैटायन यही है क्योंकि इसी पे इन दोनों में मैग्नीशियम इन दोनों में कंपेयर करो तो यही है, तो यानी कि एग्जैक्ट आंसर है आपका ए एल सी एल थ्री, 100% ए एल सी एल थ्री है। बाकी एफ ई सी एल एस एन सी एल टू पे मत जाइए, अगर एस एन सी एल फोर एस एन सी एल टू होता तब मैं आपकी बात से सहमत हो जाता कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, इसी टाइप के क्वेश्चन आ भी रहे हैं इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन कॉमा नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है सी ग्रेटर देन एन, आप जल्दी ना करें, थोड़ा सा आराम से, मैं स्पीड अपनी मेंटेन किए हूँ, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, 30 क्वेश्चन कराने से पहले उठूंगा नहीं। एन एफ और सी, ओ एफ एन और सी, डी ऑप्शन में एफ ओ एन सी, जी बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, जी बताइए। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, सी ऑप्शन बता रहे हैं देवजनी, बिल्कुल 100% सी ऑप्शन ही होगा, रीजन भी जान लीजिए भाई, ऑक्सीजन में लास्ट में 2p4 हो जाता है, फ्लोरीन में 2p5 हो जाता है, नाइट्रोजन में 2p3 हो जाता है, यहाँ सॉरी 3p नहीं 2p ही है, सॉरी 2p ही आएगा क्योंकि 9 होता है यहाँ 2p, और एक कार्बन में 2p2 होता है। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत आसानी से निकलेगा लेकिन दूसरा हाफ फिल्ड हो रहा है, दूसरा हाफ फिल्ड हो रहा है, सेकेंड आई ई टू जब निकालोगे तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, यानी यही आंसर बिल्कुल ऑक्सीजन पहले नंबर पे आएगा और फिर फ्लोरीन की भी सिचुएशन वही बनेगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ भाई एक और निकाल दो, ये हाफ फिल्ड पहले ही है, इसकी पहली ज्यादा हो जाएगी, इसकी आई ई वन ज्यादा होगा, आई ई टू कम हो जाएगा, इसका आई ई वन कम होगा लेकिन आई ई टू थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसका, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। सेकंड पूछा है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन का तरीका पूछने का थोड़ा सा सही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, द टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस फॉर 2 mole of an ideal gas, पहला ऑप्शन दिया है Cv-Cp = -2R, बी ऑप्शन दिया है Cp-Cb = 0, सी ऑप्शन दिया है Cp-Cb = R, डी ऑप्शन दिया है Cp-Cb = R/2, बताइए जवाब क्या होगा। प्रवेश जी इसका जवाब आप बताएंगे हमें अच्छा लगेगा, जी बताइए।
2 mole ऑफ एन आइडियल गैस। 2 मोल आइडियल गैस के लिए फार्मूला क्या होगा? सी, देवजनी भी सी ही बता रही हैं, बिल्कुल सही एग्जैक्ट। हंड्रेड परसेंट राइट। चलिए, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग जवाब दे रहे हैं और ऐसे ही आप जवाब देते रहिए। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। वैंडरवॉल गैस इक्वेशन, वैंडरवॉल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस ए ऑप्शन दिया है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ब्रैकेट में वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। बी ऑप्शन दिया है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। सी ऑप्शन दिया है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सिक्स का जवाब दीजिए, सिक्स का जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, आंसर सी है इसका, चौथा तो ऑप्शन नहीं लिखा ही नहीं, आंसर सी है। 1 मोल के लिए पूछा है इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, 1 मोल के लिए पूछा है इसलिए जल्दीबाजी ना करिए, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइए। अगर क्वेश्चन सरल लगने लगे तो ये सोच लीजिए कि कहीं पर फेल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द NaCl स्ट्रक्चर ऑफ अ यूनिट सेल हैविंग नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर, ए ऑप्शन दिया है 4 and 4, बी ऑप्शन दिया है 8 and 8, सी ऑप्शन दिया है 6 and 6, डी ऑप्शन दिया है 12 and 12। बोलिएगा, सेवेंथ वाले का जवाब दीजिएगा। इन NaCl स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल हैविंग नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बोलिए, काजल ने ए आंसर दिया है, देवजनी ने ए दिया है, प्रभात ने, देखिए मैंने जब आपको पढ़ाया तो आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होता है लेकिन नंबर ऑफ सोडियम एटम और क्लोराइड आयन के जो नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट सेल वो हमेशा 4 ही होते हैं। ध्यान दीजिए, 4 ही होते हैं, जल्दीबाजी में आप गलती कर रहे हैं, 4 होते हैं। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता तो 6 आता, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना, इस बात का ध्यान देना है। क्वेश्चन फेल कर सकता है आपके सामने, क्वेश्चन अच्छा होता है सरल, ऐसे ही झारखंड का जो पेपर हुआ ना अभी उसने यही खेल किया ही था, जो मैं आज कर रहा हूँ आपके साथ में यही खेल झारखंड के पेपर में किया है, ये बात ध्यान दीजिएगा।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन गेन एंथैल्पी इज, ए ऑप्शन दिया है क्लोरीन, बी ऑप्शन दिया है क्लोरीन, सी ऑप्शन दिया है ब्रोमीन और डी ऑप्शन दिया है आयोडीन। जी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पर चल रहा हूं, जब तक आप इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था आपको याद होगा झारखंड में, वहीं से मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रिमाइंड कराया आपको कि आप इसे रिमाइंड भी रखें, तो वहीं से उठाया है मैंने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। अब ये डिट्टो क्वेश्चन मेरा ही उठाया गया था, अगर आपको अपनी सीट याद है, आपको याद होगा जब मैं नवोदय की तैयारी करा रहा था, तो नवोदय की तैयारी कराते समय मैंने एक सीट करवाई थी, सीट आपके पास होगी, उस सीट को उठा लीजिए और झारखंड का क्वेश्चन देख लीजिए। डिट्टो नो इफ नो बट नो ऑप्शन में भी कोई चेंज नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज ये क्वेश्चन डिट्टो था और इसमें कोई चेंज नहीं था, और ये आ चुका था आपको याद होगा बिहार के एग्जाम में, ये बिहार के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, और ये मेरी ही आंसर सीट आप लाइए, आपके पास होगा। प्रिसाइज का मतलब होता है, प्रिसाइज का मतलब जान लीजिए क्या होता है, तब आप आंसर दे पाएंगे। प्रिसाइज का मतलब होता है जहां कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो, है ना, जहां कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो, जहां कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो, फ्री ना हो मतलब सभी बैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए होने के बाद, तो आंसर फिर आपको मिलेगा TH4। ये बिहार एग्जाम में आया था, यहाँ अगर कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड बनाओ तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इस तरीके की कंडीशन होती है, समझ गए आप, तो ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको ये तकलीफ बिल्कुल ना हो कि आप करेंगे क्या। यहाँ लिख रहा हूँ अमोनिया ऑन रिएक्शन विद B2H6 गिव्स, नंबर ए ऑप्शन है B2H6.NH3 देता है, बी ऑप्शन है B3H3N6 देता है, या फिर सी ऑप्शन है B3N3H6 देता है, या डी ऑप्शन है नन। जी बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही जाएगा। 10th का ऑप्शन दीजिएगा, 10th का ऑप्शन बिल्कुल हेडिंग बोराजाइन, बोराजाइन बनता है इसमें। शिवानी क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हैं,
जो मैंने सिलेक्शन किया है क्या ठीक है या नहीं। नेक्स्ट है रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू चेंज, मतलब क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन अभी हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, वरना कठिन तो मैं और भी ले सकता हूँ, उनको एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात अब पहुंच चुकी है बोर्ड तक, इसीलिए क्वेश्चन का लेवल ठीक आएगा आपका भी। पहला है ऑप्शन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। बी ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट आएगा। अल्ट्रावायलेट रीजन विजिबल रीजन होता है, वैसे विजिबल रीजन होता है, लेकिन अगर ऑप्शन विजिबल नहीं है तो अल्ट्रावायलेट विजिबल ऑप्शन आप लगा सकते हैं, क्योंकि विजिबल होना चाहिए। गिव्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सी ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ये ऑफ रिएक्शन। डी ऑप्शन आपके सामने है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। मिथिलेश कुमार ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं बोलिए। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार टच ना करिए, अगर टच कर रहे हैं तो पूछिए फिर बोलिए। हेलो हेलो आप बार बार रेज योर हैंड पर टच ना करिए सर, दिक्कत हो जाएगी, वरना पढ़ाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अगर आपको कुछ बात करनी है तो पहले मैसेज करिए कि सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं आपका जवाब दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। ठीक है दीक्षा, सही कह रही हो कि हो सकता है भाई मिस्टेक, सोच रहा हूँ है क्या, टच करके देखो क्या होता है। 1s2 2s2 2p6 बी ऑप्शन है वन, वो बी ऑप्शन नहीं, मतलब दिया 1s2 2s2 2p4 सी ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s1 और डी ऑप्शन है 1s2 2s2 2p5। क्वेश्चन अब शुरू होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। झारखंड और बिहार वाले लोग जरा एक्टिवेट रहे, बाकी यूपी वालों से तो मैं निपट लूंगा, है ना। यूपी वालों को भी अभी देखना, 14 सितंबर के बाद यूपी वालों पर भी चलेंगे तीर, बहुत ही सटीक उनका इलाज किया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पहुंचाना है उस मुकाम पर जिस राह पर आप चल चुके हैं या चल रहे हैं, दोनों बातें हैं, उन्हें भी उस राह पर मैं लेकर के जाऊंगा। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा प्यारी बहनों।
एंड भैयाओं बताइए करेक्ट ऑर्डर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? BDCA लिखा है, हम भी यूपी वाले हैं सर, कोई बात नहीं प्रीति, इसका आंसर बताओ तो देखें करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस 100% यही आंसर होगा ये वाला, बिल्कुल सही भाई। ज्यादा का मतलब यहां ये फट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये तो तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसे जैसे ही मिलेगा तुरंत उठाएगा, उसके बाद नंबर इसका आएगा। और ये तो जो सी वाला है ये तो कहेगा यार हमें चाहिए नहीं, हमसे कोई ले लो, और ये तो कतई हिम्मत ही नहीं जुटाएगा। तो आंसर फिर यही होगा, बिल्कुल 100% आपने सटीक जवाब दिया है शिवानी, सभी की नानी। बेटा बुरा मत मानना, मैं मजाक करता रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, चलो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 26 इज, ए ऑप्शन है फेरो, बी ऑप्शन है डाया, सी ऑप्शन है पैरा, डी ऑप्शन है नन। चलिए बताइए, डी ऑप्शन है नन जी, बताएं, बहुत स्पीड में आंसर दीजिए इसका, इसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए। फेरो है, बिल्कुल एग्जैक्ट फेरो है, हाईली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। 26 पता ही है आयरन का होता है, वैसे भी पता है आयरन है, और आयरन को हम लोग फेरोमैग्नेटिक में काउंट करते हैं, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए, आपके लिए कोशिश यही की है मैंने कि क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाए, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से सेलेक्ट किया जाए। यहाँ लिखा है BHC एंड DDT आर, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कार्सिनोजेनिक, दूसरा ऑप्शन दिया है एलर्जेंस दिया है, सी ऑप्शन दिया है अस्थमेटिक एजेंट, और सी ऑप्शन होता है, डी ऑप्शन दिया है ऑल। बताइए, क्वेश्चन देखने में सरल लगेगा लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने पर ये मजबूर जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड DDT दोनों में एक खास बात है, बताएं शिवानी, दोनों में खास बात यह है कि दोनों कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, यही एक कॉमन फैक्टर इन दोनों के अंदर होता है। जबकि वैसे लगा रहा होगा कि सर हो सकता है इसके ऑप्शन में लिखें इसकी फुल फॉर्म बताओ, या लिखें ये पेस्टिसाइड है इंसेक्टिसाइड है, हो सकता है आपने सोचा यही होगा, 100% आपने यही सोचा होगा सर, जब मैंने तीन लिख दिए तो नीचे वाले में आप सोच रहे होंगे सर हम लिखेंगे पेस्टिसाइड तो हम खट से आंसर दे देंगे, है ना, यही आपने सोचा होगा। इसके बाद है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट हैव
does not have d2 sp3 hybridization. ये क्वेश्चन जो है वो दो से उठाया गया, एक तो कोऑर्डिनेशन से भी ले लिया और साथ में बात कर ली है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की, मतलब दो निशाने एक तीर से साधने की कोशिश। चलिए जब आप ढूंढिए फटाफट और हमें बताइए कि सर इसका जवाब ये होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प देवजनी, दीक्षा बाद में बातें कर लेना बेटा, पहले अभी हम पर फोकस करो, हमें देखो, मैं दिख तो रहा नहीं हूँ, मतलब पोर्शन स्क्रीन देखो जी, इसमें कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखता है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखता है, बिल्कुल 100% कोवाल्ट के साथ में ये sp3d2 हो जाता है, H2O वाला नहीं है, H2O वाला तो बाहर चला जाएगा, कोवाल्ट के साथ वाला खेल डज नॉट हैव लगा हुआ है। आउटर ऑर्बिटल है जी, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन लगा रहे हैं आप, 15 का आंसर बोलिए। Which of the following complex does not have d2sp3 hybridization? Exception case है ये, बिल्कुल 100% दीक्षा यही ऑप्शन, ठीक, मैं इसे रोक रहा हूं 15वें क्वेश्चन को, आंसर डी पे मुझे खतरा लग रहा है इसीलिए मैं रुका हूं, अब मैं इसे थोड़ी देर में कंफर्मेशन दूंगा, मैं भी एक बार नजर डालूंगा इस पे तब आपको बताता हूं, मैं भी थोड़ा सा, जब आपने बोला है कि क्रोमियम के साथ में जो अमोनिया होता है वो d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कोबाल्ट के साथ में भी यही कंडीशन होती है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शक हो रहा है, रुक जाइए 10 मिनट का समय दीजिएगा, इस क्वेश्चन को लास्ट में जाते जाते चेक करेंगे, ऑप्शन डी आना चाहिए था लेकिन ये इन्होंने बोला है तो देवजनी ने बिल्कुल, क्योंकि तो मेहनती लड़की है, इसकी बात को सपोर्ट करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर, हो सकता है क्वेश्चन की जब मैंने नोट किया हो तो फॉल्ट हो गया हो, कोई नहीं, चलो खैर इसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं डिस्कशन करूंगा और अगर आपको आंसर लगे तो देख करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, समय भी हम डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन एक और है जो आपके लिए ही सेलेक्ट किया है, बेसिकली आपके लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप देखिएगा इसे ध्यान से, द HOH HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर गैस फेज सॉरी वाटर कह रहा हूं H2O2 गैस फेज इज नहीं H2O2 है, वाटर नहीं है, वाटर मैं बोल गया, वाटर नहीं, 106 डिग्री, बी ऑप्शन 109.5 डिग्री, सी ऑप्शन 120 डिग्री, 120 डिग्री, हाँ 120 डिग्री, और डी ऑप्शन है 94.8 डिग्री। जी बताइए, 16 वाले का जवाब बताइए, 16 वाले का जवाब बताइए, फोर्थ होगा, बिल्कुल 100% श्योर है कि फोर्थ होगा, ठीक, चलिए
इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक अभी तक थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, बाकी क्वेश्चन सब सही सही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन या कन्फर्मर ऑफ 2.4 हेक्साडाइन इज, ए ऑप्शन दिया है CH3H सी डबल बॉन्ड CH सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर H और यहाँ CH3, यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग H। इसके बाद बी ऑप्शन है, ऐसे बनाइए यहाँ CH3, यहाँ H लगाइए, यहाँ पर यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा लीजिए, नीचे H लगा लीजिए, इधर CH3 लगा लीजिए। सी ऑप्शन पर आ जाइए, H लगा लीजिए, CH3 लगा लीजिए, C डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर H, यहाँ पर सी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सी लगाना पड़ेगा, और इस सी से एक H डबल बॉन्ड सी, ऊपर H और यहाँ CH3। डी ऑप्शन, फिर वही कंडीशन, यहाँ H, यहाँ पर नीचे CH3 दिया है इस बार इन्होंने, यहाँ पर दिया है H, उल्टा लगाया है, यहाँ पर H और यहाँ पर लगाया CH3, यहाँ बॉन्ड डबल किया, फिर ऐसे किया और यहाँ H लगाया है और यहाँ CH3। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। जी दिमाग लगाइए। सेवेंटीन पे आ जाइए और इसका आंसर जल्दी से बताइए। ए होगा, बिल्कुल प्रीति, 100% ए होगा। ट्रांसफॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है, ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है, यही बात तो है। सत्रह बिल्कुल बता रहा हूँ शिवानी। देखो यहाँ पर आपको नोट करना है ट्रांस, ये देखो, और ट्रांसफॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, मैक्सिमम रिपल्सन यहीं पर पॉसिबल है। सत्रह वाले में यही कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं, ये दोनों सिस हो जाएंगे, ये भी सिस हो जाएंगे, और ये भी सिस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे, तो इसलिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बी वाला ट्रांस नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ये सिस हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में सिस हो जाएगा, ये आधा ट्रांस है आधा सिस है, वो पूरा ट्रांस है। ध्यान से देखो दीक्षा, ध्यान से देखो, आजकल गड़बड़ा रही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। आजकल पहले तुम बहुत एकदम जवाब देती थी, पता नहीं कुछ हो गया है तुम्हें, पहले तुम्हारे जवाब एकदम सटीक आते थे, मेहनती जवाब आते थे, विच हैज, लेकिन पता नहीं मूड क्यों तुम्हारा चेंज हुआ, मुझे समझ नहीं आया। जब शुरुआत मैंने तुमसे देखा था शुरुआत में, ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल ठीक है, पहला ऑप्शन है XEOF4, बी ऑप्शन है अभी बता रहा हूं दीक्षा, तसल्ली करो थोड़ा सा, ऑप्शन लिख दूं XEO3, सी ऑप्शन है XEO3F2, और डी ऑप्शन है XEOF2। जी बताइए, आपने पूछा है 17वें वाले क्वेश्चन में लास्ट के डी, ये सिस कैसे होंगे, ये सिस कैसे होंगे। हमेशा ध्यान दो
कि दोनों में डबल बॉन्ड देखो उस पोजीशन पर है, यहां पर एच लगा है और आपको लग रहा है ये पोजीशन बदली हुई, ये पोजीशन बदली हुई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ध्यान देना है, डबल बॉन्ड अगर एक सेम कंडीशन में है और एंड में अगर आपको किनारे वाले साइड वाले जो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर आप इनको ओपन करके देखो, इसको पकड़ के खींच के सीधा कर दीजिए, इसको पकड़िए खींच के सीधा कर दीजिए, राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा तो वही कंडीशन आपको मिलेगी, वही कंडीशन आपको मिलेगी जो ऊपर बनी हुई है। यानी आपने आंसर दिया है 18 वाले का, सभी ने आंसर सी दिया है, कुछ लोगों ने बी दिया है, कुछ लोगों ने सी दिया है। सी सी लगा रहे हैं अधिकतर लोग। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप पूछा है और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप में सभी लोग मैक्सिमम जवाब जो है वो सी पे आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। कारण ये है कि अगर हम शेप को ड्रॉ करने की कोशिश भी कर लें तो देख लेते हैं, ऊपर नीचे फ्लोरीन लगा लीजिए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 बचे, तो 2 यहाँ दीजिए ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे लगता है कि शेप जो आप बता रहे हो यही शेप आ जाएगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप। बिल्कुल प्रवेश जी, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंच लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और ये भी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, S2F2 एंड H2S। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ रिडॉक्स वाला टॉपिक है। R पहला ऑप्शन दिया है 0+1 and -2। B ऑप्शन दिया है +2+1 and -2। C ऑप्शन दिया है 0+1 and +2। D ऑप्शन दिया है -2+1 and -2। जी बताइए, 19 वाले का जवाब दीजिए। सभी लोग फर्स्ट जवाब दे रहे हैं। भाई देखो, इसमें सल्फर में S8 में 0 होती है, यहां पर निकालोगे +1 आ जाएगी, यहां पर निकालोगे -2 आ जाएगी। बिल्कुल 100% श्योर है। मनोपाध्याय, लुगना, प्रीति, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। चलो इन बहनों की बातें मान लेता हूं और आगे की तरफ बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 20। 30 क्वेश्चन का उद्देश्य लेकर के चला हूं आज, देखते हैं क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां मैंने लिखा फिनॉल, यहां लिखा मैंने NaOH, यहां लिखा छोटू, और 140 डिग्री सेल्सियस इसे टेम्परेचर पर बिठाला, ए बना, ए को मैंने हाइड्रोलाइज किया एच के साथ में, बी बना, बी को मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया, सी बना। व्हाट इज सी? पहला ऑप्शन दिया है सैलिसिल एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन दिया है सैलिसिलिक एसिड, तीसरा ऑप्शन दिया है फिनाइल एसिटेट, चौथा ऑप्शन दिया है एस्पिरिन। जी जवाब दीजिए।
बीस वाले का जवाब दीजिए। एस्पिरिन 100% श्योर है, बाकी जो बिहार वाले हैं एक भी बिहार वाले ने जवाब नहीं दिया है। सिलेबस फोन किया था कि सर सिलेबस पूरा कैसे, सिलेबस तो पूरा होगा जब तक तुम लोग एक्टिवेट नहीं होगे बिहार वालों, कैसे एग्जाम निकालोगे यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ चूंकि भाई मैंने कमिटमेंट किया है तो मैं तो करूँगा लेकिन तुम भले ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट लिखो बिहार वालों, ध्यान दो इस बात पे मैं क्या क्वेश्चन कह रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन ये भी है लेकिन इस क्वेश्चन को आप ऐसे मान के चलो कि ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा इम्पोर्टेंट तो कम है लेकिन ये आता बहुत है, आता बहुत है ये क्वेश्चन। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक का है, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग बिल्कुल सही कह रही हो दीक्षा, यूजिंग एफ ई एंड एस सी एल गिव्स, बता दो ऐसे ही बता दो, ए ऑप्शन मिलेगा आपको एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, बी ऑप्शन जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन जाएगा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन दीक्षा ये सब कमेंट ना करो तो सही है ना, यहाँ पढ़ाई से बातें करो, ये फालतू इतना लिख रही हो, टाइम खराब कर रही हो अपना। एरोमेटिक एमाइड, क्योंकि आपको पता है कि आज टीचर्स डे है, गुस्सा उस्सा मुझे ना आए तो अच्छी बात है, आप भी टीचर हम भी टीचर। चलिए बोली ऑप्शन बोली एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, बिल्कुल 100% यही राइट सजेशन, राइट आंसर एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत सही बहुत सही। हाफ लाइफ ऑफ विच ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, पहला ऑप्शन है जीरो, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है सेकंड, चौथा ऑप्शन है स्यूडो फर्स्ट। बोलिए सर, फर्स्ट ऑर्डर है बिल्कुल 100% श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आर्हेनियस इक्वेशन हैविंग फार्मूला K इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर ए इज पहला ऑप्शन,
पहला ऑप्शन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, फैक्टर बी फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सी एक्टिवेशन एनर्जी, और डी कांस्टेंट। बताइए जल्दी से। ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ जेड भी, कुछ जगह जेड भी आ जाए तो जेड भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे आता है के इज इक्वल टू ए ई, जो मैंने लिखा है इसकी जगह आता है जेड ई, तो घबराना मत, ऐसे भी आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है, तो सेम रहता है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 303 केल्विन, देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स, नंबर ए 4 टाइम्स, नंबर बी 3 टाइम्स, नंबर सी 2 टाइम्स, और नंबर डी बोथ बी एंड सी आर पॉसिबल। पॉसिबल देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन डी देना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी देना पड़ेगा, क्योंकि बोथ बी एंड सी आर पॉसिबल, दोनों पॉसिबिलिटी मानी जाती है। वैसे तो डबल ही होता है, टू टाइम्स ही होता है, लेकिन जब ऑप्शन दोनों दिए होते हैं तो फिर ऑप्शन नंबर डी को आप करेक्ट ऑप्शन में लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो डबल है, बिल्कुल सही है, टू टाइम्स ही होता है, लेकिन टू और थ्री दोनों का अगर ऑप्शन दे रखा है, पॉसिबिलिटी दे रखी है, पॉसिबिलिटी दे रखी है, तो ध्यान दीजिए 293 दिया है, 293, ठीक है, अदरवाइज तो टू ही होगा। अगर ऑप्शन में ऐसी कंडीशन लगी है तो बेस्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं। 25वें क्वेश्चन पर आ जाइए। RMS can be represented by A option है root 3RT upon pi m, B option है root 3RT upon pi, C option है रूट 3RT अपॉन m, और डी ऑप्शन है रूट 2RT अपॉन m। जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। सी ऑप्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन सी ही है, ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट, मैंने पढ़ाया भी था, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ
डाइपोल मोमेंट म्यू इज ए ऑप्शन टेस्ला, बी डीवाई, सी हर्ट्ज, डी कूलम। डीवाई बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल, ए 8 होंगे, बी 4 होंगे, सी 2 होंगे, डी नो। ऑप्शन नंबर आएगा इसमें बी। नेक्स्ट 28 में आइए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज शोन बाय नंबर ए H2O, बी अमोनिया, सी HF, डी नन। बताइए। बोलिए बोलिए। वाटर, बिल्कुल 100% वाटर के चारों तरफ चार बॉन्ड बनेंगे, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए, इसीलिए फिर आंसर आपको वाटर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक मिनट का समय दीजिए। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NO2 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस इज कितने बनेंगे। ए ऑप्शन में 2 दिया है, बी ऑप्शन में 4 दिया है, सी ऑप्शन में 3 दिया है, डी ऑप्शन में 0। दो ही बनेंगे ना, KCl मेरिडोनिया, ठीक, दो ही बनेंगे, बिल्कुल सही है। सिस ट्रांस वाली कंडीशन नहीं होती, लेकिन फेसियल मेरिडोनियल यहाँ पर लिखा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आखिरी चलते चलते आपको बताता हूँ। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, द Cr H2O का होल 6, 3 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर दिया है 24, तो डी इलेक्ट्रॉन में ऑप्शन बताना है आपको, 2 आएंगे या फिर बी ऑप्शन में 3 आएंगे, सी ऑप्शन में 4 आएंगे और डी ऑप्शन में 5 आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बोलिए।
ट्राई पॉजिटिव है, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव मतलब आर्गन और 3D3 4s 0 हो जाएगा। द नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सभी लोग आंसर 3 बता रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन सभी लोग सही बता रहे हैं कि सर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसे फाइनल कर देते हैं, ठीक है ना, यहीं पर लगा देते हैं नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन बी। चलिए ठीक ठीक है, चलो ठीक है, ये वीक लिगेंड है और ये पेयरिंग करा ही नहीं पाएगा, तो 3 के 3 ही रहेंगे, सिंपल सी बात यही है। चलो ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चन थे, ना ज्यादा कठिन थे ना ज्यादा सरल थे, ठीक ठीक थे क्वेश्चन। जो आज की बिहार की रेंज है, झारखंड की रेंज चल रही, उसी रेंज के ये क्वेश्चन थे। एक बार आप लोग अपना व्यू जरूर रखिएगा कि अभी झारखंड और बिहार का जो एग्जाम है उनमें यही रेंज के क्वेश्चन आए भी थे। अब हमारी आपकी मुलाकात कल इवनिंग में नाइट में होगी, कोई 9 पे, ठीक है, 9 PM पर होगी, बाकी जैसा भी होगा दिन